हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि कौन सी दिव्य शक्ति आपके साथ में है और वो आपको क्या मैसेज देना चाह रही है। आपकी लाइफ में क्या खुशियाँ आएंगी वो हम देखेंगे, ठीक है? कौन सी खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं? तो हमारे पास दो पाइल हैं। फर्स्ट पाइल है ए सी ई जी आई के एम एन एम ओ क्यू एस यू डब्ल्यू वाई। सेकेंड पाइल है हमारे पास में बी डी एफ एच जे एल एन पी आर टी वी एक्स जेड, ठीक है? जिसमें भी आपके इनिशियल आते हैं वो पाइल आपके लिए हैं। आई होप गाइज आपने पाइल चुन ली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पाइल की रीडिंग। तो चलिए गाइज कार्ड देख लेते हैं कि क्या निकल कर आते हैं। तो गाइस मैं ये देखना चाहूंगी कि आपको क्या अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज मिलने वाली है। और ये टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी आपको मिले तभी आप इसको देख सकते हैं, कोई टाइम बाउंडेशन इसके लिए नहीं है, ठीक है? जब भी यूट्यूब रिकमेंड करे या फिर ये वीडियो आपके सामने आ जाए, आप मेरे चैनल से सर्च कर रहे हो तब आपके सामने आ जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है? देखिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि कुछ मेरे व्यूअर्स की तरफ नया पार्टनर आ रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंट्री मारने वाला है। ये काफ़ी रोमांटिक पर्सन है और इसकी इंट्यूशन भी काफ़ी स्ट्रोंग है। ये बहुत जल्दी प्यार में पड़ जाता है और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है, लेकिन आपको सोच समझ करके इस पर्सन की तरफ बढ़ना है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ये ना देखें कि ये पर्सन तो मुझसे बहुत प्यार करता है, एकदम से अचानक से आपको ऐसा लगे कि ये तो बरसों से मुझे जानता है। तो आप इसके बारे में पूरी तरह से जान लीजिए कि इसका बैकग्राउंड क्या है, तभी आगे बढ़ें, ठीक है? और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएगा ना, तो आप डिसाइड भी नहीं कर पाएंगे ये पर्सन वाकई में मेरे लिए राइट पर्सन है कि नहीं है। आप ऐसा असमंजस में पड़ जाएंगे और डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इस टाइम आपको क्या करना है, अपने हर्ट की सुनना है, थोड़ा सा इस पर्सन के बैकग्राउंड को भी चेक करना है और सोच समझ करके डिसीजन लेना है, ठीक है? यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप डिसीजन भी लेंगे। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप डिसीजन भी लेंगे, लेकिन आपको ये लग रहा है कि मेरे दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, उसकी वजह से थोड़ा सा आप टाइम ले सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी आपका दिल कहेगा कि ये पर्सन मेरे लिए क्या सही है, अभी आपका दिल कहेगा कि ये बहुत ही सही पर्सन है। इस तरह की असमंजस की स्थिति में आप रह सकते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर है, एक अच्छा कंपेटेबल पार्टनर है। कभी तो आपका दिल करेगा, आप ये सोचेंगे कि अच्छा हस्बैंड बन सकता है या अच्छी वाइफ बन सकती है, मेरे लिए अच्छा है, मैं जो विश मांग रहा था वही मेरी विश पूरी हो रही है। यहाँ पर कुछ लोगों की विश भी पूरी हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है ना, अचानक से तो आपकी लाइफ में एंट्री करेगा और थोड़ा सा उसके बारे में, हर एक इंसान के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी होता है, ठीक है? कभी कभी हम गलत लोगों की संगत में पड़ जाते हैं या गलत लोगों के उसमें पड़ जाते हैं कि भाई ये तो मेरे लिए सही होगा, ठीक है? तो हर एक इंसान की तरफ जब भी आप आगे बढ़े तो बड़े सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि लाइफ का सवाल होता है। लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है ये आपकी लाइफ में एकदम फिट आपके लिए रहेगा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि कुछ लोग जो सेकंड मैरिज की भी सोच रहे हैं, जिनकी लाइफ में बार बार डिवाइन इंटरवेंशन होता है, उनके पर्सन को वेटिंग मोड पर रख रहे हैं और आप अच्छे पर्सन हैं, आप अच्छे कंपेटेबल पार्टनर हैं, अच्छी वाइफ और अच्छे हस्बैंड हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने आपकी कदर नहीं की। इसलिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप सेकेंड मैरिज के लिए रेडी हैं तो आप इसके साथ में आगे बढ़ सकते हैं और इस दलदल से बाहर निकल सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पर एंजल्स आपको सपोर्ट कर रही हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आप इसके साथ अपना सपनों का संसार बना सकते हैं, आप इसके साथ अपना घर बसा सकते हैं, अपने बच्चे देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है जरूर आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है? जो सेकंड मैरिज के लिए सोच रही है और जो सिंगल है बीएफ जीएफ के लिए देख रही है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की मैरिज होने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है और ये अरेंज मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है मुझे आपकी। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा आपको अपने बड़ों से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। जब भी आप इस पर्सन की तरफ बढ़े तो आपको अपने बड़ों से सलाह जरूर लेनी चाहिए, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लेना चाहिए, तभी आप इस पर्सन की तरफ बढ़े, ठीक है? यहाँ पर सबकी सलाह से ही काम होगा।
अकेले आप अगर कोई डिसीजन लेना चाहेंगे तो ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि बार बार आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होता था, बार बार आपकी लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स होती थी, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन की तरफ आगे बढ़ सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है गाइस कि कुछ लोगों के एक्स पार्टनर की तरफ से भी कम्युनिकेशन आ सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी मौजूद है। थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स मुझे दिखाई दे रही है कि वो नहीं चाहते थे कि आप लोग एक हों, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए है कि ये पर्सन आपसे पहले मिल चुका है और ये अभी आपकी लाइफ में आना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है, अपने बच्चे देखता है, अपना घर परिवार देखता है, और इसी वजह से हो सकता है कि आपको वेटिंग मोड पर रख रहा हो या अपने पेरेंट्स से बात कर रहा हो। यहाँ पर मुझे दोनों सिचुएशन नज़र आ रही हैं। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इनको लगता है कि हमारे दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं जो हमें एक नहीं होने देते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये अपने पेरेंट्स से बात करेगा। ठीक है, या तो आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे होंगे या इनके पेरेंट्स नहीं मान रहे होंगे, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में खुशियाँ तो आएंगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए खुशियों का कार्ड है। आपकी लाइफ में आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलेगा। कुछ लोगों के लिए इनका ट्विन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बटरफ्लाई दिख रही है और ये सूर्य जो उदय हो रहा है ये आपकी लाइफ में प्रकाश डालेगा। ठीक है, आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा जो है खुशी आएंगी, ये सूर्य का प्रकाश जो है आपकी लाइफ में फैलेगा और आप खुश रहेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ तो आ रही हैं, कम्युनिकेशन भी बहुत फास्ट आ रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग एक दूसरे की तरफ बहुत फास्ट बढ़ने वाले हैं आने वाले टाइम में। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही हैं। मुझे यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है कि जिनके एक्स पार्टनर की आप वेट कर रहे थे, उनके एक्स पार्टनर भी मुझे यहाँ पर रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आ सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक्स पार्टनर आपके आपको वेटिंग मोड पर रख रहे थे, लेकिन अभी वो आपके साथ में आना चाहते हैं और अपना घर बसाना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ आपके साथ में अपना एक हैप्पी होम बनाना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इंद्रधनुष के सातों रंग आपकी लाइफ में डालना चाहते हैं, यानी कि खुशियाँ लाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक चीज़ की एंड हो रही है, जो काफ़ी टाइम से आप लोगों को वेटिंग मोड पर रख रहे थे, उस वेटिंग मोड की एंड हो रही है और यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट हो रही है जिसमें आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिल रही हैं। आपकी लाइफ में एक नया सूर्योदय होगा जिसका प्रकाश आपकी लाइफ में आएगा और आप खुश रहेंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी हम देखते हैं कि एंजल का गाइडेंस आपके लिए क्या है। देखिए यहाँ पर अबंडेंस आपकी लाइफ में, यहाँ पर भी कार्ड है अबंडेंस का, यहाँ पर भी कार्ड है अबंडेंस का। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप देखिए गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मैंने बताया था ना, यहाँ पर ये पर्सन जो आ रहा है आपकी तरफ, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटाइए कि ये पर्सन का बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से है, तब आगे बढ़िए। मैंने कहा भी था कि आप अपने बड़ों की सलाह लीजिए। ठीक है, एकदम करेक्ट यहाँ पर है, वेट कर लीजिए थोड़े से टाइम का। अगर आपकी लाइफ में थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम चल रही है, अगर यस नहीं बोल रही फैमिली, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए और फिर आपकी लाइफ में खुशी आएंगी। ठीक है, यहाँ पर बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगे, यहाँ पर यूनिवर्स यही कह रहा है। और आप जो है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तरफ या फिर जो है आप प्राइवेट जॉब में आगे बढ़ना चाहती हैं, तो मुझे यहाँ पर चांसेस दिखाई दे रही हैं और आप जो है आगे बढ़ेंगे, आपकी लाइफ में खुशी आएंगी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको नेम फेम मिलने वाली है और आप लोगों को मोटिवेट भी करेंगे। ठीक है, आपसे लोग मोटिवेट भी होंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि गाइस की आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से सीख करके आगे बढ़ रहे हैं, आपको थोड़ा सा पास्ट को लेट गो कर देना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो सभी के लिए सही होगा। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो यहाँ पर मुझे चांसेस पूरे दिखाई दे रहे हैं। अपना पासपोर्ट वीजा तैयार कर लीजिए और अगर आप जो है लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं अपने पार्टनर के साथ में, एक्स पार्टनर के साथ में, और कुछ लोग अकेले भी बढ़ रहे हैं और कुछ लोग नए पार्टनर की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप अपनी नई जर्नी के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप प्लानिंग के साथ में आगे बढ़िए, अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए आगे के लिए। ठीक है, ये टाइम परफेक्ट टाइम है और आगे बढ़िए। और जो लोग अपने एक्स पार्टनर के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो उनके लिए भी एक नया फेज शुरू हो रहा है, उसमें आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपके साथ में कौन से स्पिरिट गाइड्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट करके रखती हैं, जो आपको खुशियाँ दे रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेडी पोर्शिया हैं, ये कहा जा रहा है कि जो भी आप फील कर पा रही हैं करेक्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेसन अनफोल्ड होंगे, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है।
देखिए लॉर्ड कृष्णा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लॉर्ड कृष्णा का आशीर्वाद आपके साथ में है। ये कहा जा रहा है कि आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है उसके ऊपर ट्रस्ट करना सीखिए, ठीक है। आपका कमिटमेंट है वो रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। अगर आपके पर्सन ऑन ऑफ की सिचुएशन में रह रहे हैं और अभी थोड़े दिन के लिए आए हूँ, रिस्क ले रहे हूँ, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है उस चीज़ का कि आपको उनके साथ में अनबन नहीं करनी है, ठीक है। आपको उनके साथ अनबन नहीं करनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपको अनकंडीशनल लव करना है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास में मदर मैरी। यहाँ पर क्या कह रही है कि आप किसी से ज़्यादा उम्मीदें ना लगाएं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा शांति लेकर आइए अपनी लाइफ में। यहाँ पर मदर हीलिंग भी पॉसिबल है। अगर आपके मदर की हेल्थ खराब है तो वो भी हील होने वाली है। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको अपनी मदर के साथ में थोड़े रिश्ते अच्छे बनाने चाहिए, उनको प्यार देना चाहिए, रेस्पेक्ट देना चाहिए, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि आपके साथ में कौन सी दिव्य शक्ति है, यानी कि लॉर्ड कृष्णा आपके साथ में आपको सपोर्ट दे रहे हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में है। और भी कोई भगवान हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे जो कार्ड मिले हैं वही मैं बता रही हूँ। देखिए टाइम टाइम पर हर एक जो है गॉड की ड्यूटी होती है कि वो आपको प्रोटेक्ट करें, और तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी लॉर्ड कृष्णा का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं और कभी किसी गॉड को मानते कभी किसी को मान लेते हैं, कुछ लोग तो कंटिन्यू एक ही की पूजा करते हैं, तो उनका भी आपको जो है प्रोटेक्शन प्राप्त है, ठीक है। तो ये थी गाइस फर्स्ट फाइल की रीडिंग। आई होप गाइस रीडिंग आपको रेजोनेट हो रेजोनेट, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर टू, जिन्होंने पाइल नंबर टू को चुना है उसकी हम रीडिंग देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड क्या गुड न्यूज आने वाली है, तो और कौन से स्प्रिट गाइड्स आपको जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कौन से गॉड आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखिए गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों जो हैं सोलमेट हैं, और अभी फिलहाल हो सकता है कि आप लोग नो कांटेक्ट में हो या नो कम्युनिकेशन जोन में चल रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि गाइस की अभी जो अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपको प्यार करना चाहते हैं, प्यार का ऑफर देना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नया पार्टनर भी आ सकता है, वो उनको प्रपोज कर सकता है। यहाँ पर जो सिंगल्स हैं उनके लिए नया पार्टनर भी मुझे आता हुआ नजर आ रहा है और वो उनका सोलमेट है। यहाँ पर जेमिनी आपका जो है राशि हो सकती है बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके साथ में ये पर्सन जो है नया आ रहा है, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, ये आपको प्रपोज करना चाहता है, डेट वगैरह पर जाना चाहता है और फिर आपसे मैरिज भी करना चाहता है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके एंगेजमेंट की बात चल सकती है और मैरिज की भी बात यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि आप लोगों की लाइफ की एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। ये पर्सन आपको प्यार का ऑफर देना चाहता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि इससे आपकी जो है नई शुरुआत होगी और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ गाइस कि जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके भी एक्स पार्टनर उनकी तरफ आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके सोलमेट हैं। आप उनके साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर रिकंसिलेशन का कार्ड आया है कि आप लोग जो है रिकंसाइल करेंगे इस मंथ में, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपको मेटलिस्टिक गेन भी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन जो है वो आपसे एक नई शुरुआत कर रहे हैं, बच्चे आपके साथ चाहते हैं, आप एक अच्छी कंपेटेबल पार्टनर है ऐसा देखते हैं, आप बहुत ही नर्चरिंग और केयरिंग पर्सनैलिटी के हैं, आपके घर कोई मेहमान भी आ सकता है ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और गाइज मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक पैशनेट बिगनिंग आपके साथ में करना चाहता है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग
जो आपके साथ में बुरा कर रहे थे, आपके साथ धोखा कर रहे थे, उनकी सच्चाई भी आपके सामने आएगी। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सच किसी का आपके सामने आने वाला है, ट्रुथ। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आते हैं और कोई बात होती है आप लोगों के बीच में कॉम्प्रोमाइज वगैरह की, तो आपको सच बोलना है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप झूठ ना बोलें, जो भी बात है उसको क्लियर कट कह दीजिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन काफी स्ट्रांग हो रही है, आपको अपने थर्ड आई पर ध्यान देना है, उसको एक्टिवेट करना है, और आपको क्राउन चक्रा भी काफी जो एक्टिवेट है, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ ब्लेसिंग्स भी आ रही है। वन नंबर का कार्ड है, यहाँ पर आपकी एक नई स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आप अपने फ्रेंड से भी बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं, आपको अच्छे दोस्त मिलने वाले हैं। हो सकता है कि पास्ट में वो दोस्त भी धोखा देते हों, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे दोस्त मिलेंगे जो आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। हो सकता है कि आपके दोस्तों के जरिए आपको कोई जॉब भी मिल सकती है, कोई जॉब ऑफर भी आपकी तरफ आ सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई आपके बॉस हो या आपके जो है फ्रेंड्स हो, उनके जरिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या फिर कोई आपके दोस्त या आपके बॉस या आपके कोई कलीग्स जो पहले काम करते थे वहाँ से या अभी काम करते हैं वहाँ से, वो कोई ऑफर दे सकती हैं, पार्टनरशिप में आपके साथ कोई काम करना चाहते हो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर गाइस मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपको कोई जो है रिकॉग्निशन मिलने वाली है, आपके प्रमोशन के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हैं तो आपके प्रमोशन के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, और जिनके पास जॉब नहीं है उनके पास में एक ऑफर आ सकती है। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप सच्चाई जान लीजिए पहले कि आपके लिए कौन सा सही है, कोई आपको ठग तो नहीं रहा है, कोई आपको कम पेमेंट देकर के ज्यादा काम तो नहीं करवाना चाहता है। इस तरह की सिचुएशन भी कुछ लोगों के साथ में हो सकती है कि आप पहले देख लीजिए कि क्या ये आपके लिए करेक्ट है, कई ऑफर आपके पास आ सकती हैं, आपको ध्यान देना है कि कौन से ऑफर को आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर आप अपने जो है फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हुए भी मुझे नजर आ रही हैं, कोई फैमिली गेट टुगेदर भी हो सकता है, कोई मेहमान भी आपके घर आ सकता है, या कोई आपके फ्रेंड्स की कोई एंगेजमेंट मैरिज में आप जा सकती हैं, या आपकी फैमिली में किसी की एंगेजमेंट मैरिज हो सकती है, या आपके घर में कोई बेबी बर्थ ले सकता है। यहाँ पर कुछ गुड न्यूज़ मुझे इस प्रकार की भी नज़र आ रही हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके सामने सच्चाई आएगी, और या आपको कुछ अगर कोई पूछ रहा है या कुछ आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो पूरे ट्रुथ के साथ में आप अपनी बात को रखिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको सच बोलने की ज़रूरत है, जो भी सच है उसको बोलिए, आप जो है हिचकिचाई नहीं, ऐसा नहीं कि आपने हाँ हाँ हूँ कर दिया और यस कर दिया, जो भी बात आप कहना चाहते हैं उसको जुबान पर लेकर आइए और उसको जो है उसके सामने रखिए, सामने वाले बंदे के सामने, ठीक है। यहाँ पर आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि आपने हो सकता है कोई अपनी कोई बिजनेस करना चाहती हैं, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी, इसमें यहाँ पर ग्रोथ भी मुझे नज़र आ रही है, या आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं हो रही थी तो मुझे यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में भी ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है, और नेक्स्ट लेवल तक आपका रिलेशनशिप जाता हुआ नज़र आ रहा है। और जो सिंगल है उनके लिए नया पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर मेटलिस्टिक गेन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपको जो है कोई इनहेरिटेंस भी मिल सकता है, या फिर जो है आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको काफी फाइनेंशियली जो है गेन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे आपकी लाइफ में एक नई स्टार्ट दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको ये गुड न्यूज जो है आपके कैरियर में भी मिल सकती है, आपके रिलेशनशिप में मिल सकती है, दोनों तरफ से मुझे बहुत अच्छे कार्ड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप एरीज लियो सजिटेरियस हो सकती हैं, या जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, या पाइसस कैंसर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, बहुत ही स्ट्रांग साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर टॉरस और कैप्रिकॉन भी है, क्योंकि फाइनेंस वाला कार्ड जो होता है वो टॉरस और कैप्रिकॉन का होता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, अभी हम देखते हैं कि आपके साथ में कौन से एंजल्स हैं और एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर पास्ट में आपके इस एक्स पार्टनर ने आपके साथ बुरा किया था, या फिर जिस भी आप जॉब में जाना चाहते हैं, हो सकता है कि पहले आपने वो छोड़ दी हो और उसमें फिर से जाना चाहते हैं, तो आप उनको माफ कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है नॉट द राइट टाइम, अभी ये सही टाइम नहीं है, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करने का ज्यादा उलझने का भी कोई टाइम नहीं है, ठीक है। आप उसको माफ कर दीजिए, माफ करके आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, तभी आपकी लाइफ की ग्रोथ होगी, ठीक है। टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक्शन लीजिए, आपको स्टक होकर के नहीं रहना है, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव सोचिए, अगर आपके पर्सन आपको कुछ कहना चाहते हैं तो उनको माफ करके आगे बढ़िए, और आप उनसे उलझेंगे तो ये सही टाइम नहीं है, ठीक है। आप सच तो बोल दीजिए, आपकी बात को सुना जाएगा, कि आप अपनी लाइफ में स्टक ना हो, ठीक है। अगर आप स्टक हो गए तो सही नहीं होगा आपके लिए, आपको एक्शन लेना है, ठीक है।
डोंट स्टॉप, रुके नहीं, बार बार यही कार्ड आ रहा है, एक्शन लेना, डोंट स्टॉप, रुके नहीं, पॉजिटिव सोचिए। आप उस पर्सन के बारे में पॉजिटिव सोचिए, और जो पर्सन जिनके लिए नया आ रहा है आप उसके बारे में भी सोच सकती हैं। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप उनके साथ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे तो ठीक नहीं होगा, उनको थोड़ा सा माफ़ कर दीजिए, ये कहा जा रहा है, और फिर एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए पॉजिटिव सोच के साथ में, ठीक है। आपके पास एक ऐसी नॉलेज है जो आप बाहर नहीं निकाल रहे हैं, या आपको पता नहीं है, वो भी बाहर आने वाली है, यानी कि कोई ऐसी नॉलेज जो पास्ट लाइफ से है, आप कैरी कर रहे हैं, वो पास्ट लाइफ से आपको मिली हुई है, तो आप उसको भी जानेंगे, अपनी पावर को भी पहचानेंगे, और उससे आप जो है काफ़ी बेनिफिट ले सकती हैं। उसके ऊपर काम करिए और आगे बढ़िए, अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करिए और आगे बढ़िए, उन पर काम करिए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप जो है सेफ हैं, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आप अपने हर्ट को क्लोज नहीं करें, उसको ओपन करें। आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने पास्ट को रिलीज कर दीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है, और अपने ड्रीम्स को पूरा करिए, उनके ऊपर काम करिए। हीलिंग, इस टाइम थोड़ा सा हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। गिव एंड रिसीव, यानी कि अपने पार्टनर को भी थोड़ा सा हील करने दीजिए, आप अपने आप को भी हील करिए और फिर आगे बढ़िए। हर एक व्यक्ति के अंदर हीलिंग एबिलिटी होती है, ये कहा जा रहा है। मैनिफेस्ट, आप अपने लिए खुशियाँ मैनिफेस्ट भी कर सकती हैं, आप लिख लिख करके मैनिफेस्ट करिए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप लिख लिख करके मैनिफेस्ट करिए जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। अभी हम देखेंगे कि और क्या स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेज हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि आपने जो भी सपने देखे थे ना, वो अभी रियलिटी में आपके पूरे होने वाले हैं, उनके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। आपने बचपन में अपने लिए कोई सपना देखा होगा, वो सपना पूरा होगा, उस पर काम करिए। लोगों को फॉरगिव कर दीजिए, दोबारा से आया है, फॉरगिव कर दीजिए, आप सही पाथ पर हैं। और आप लोगों को मार्गदर्शन करिए, मोटिवेट करिए, आप अपने अपने दिल में प्यार लेकर आइए सभी के लिए, और फॉरगिव कर दीजिए लोगों को। इस टाइम फादर हीलिंग पॉसिबल है, अगर आपके फादर जो है या फादर इन लॉ जो है उनकी तबीयत खराब है, तो वो भी ठीक होंगे, और यहाँ पर उनके साथ में जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं उनको हील करने की ज़रूरत है। फादर से जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं उनको भी हील करने की ज़रूरत है। तो जैसे हम लोग करते हैं मदर और फादर हीलिंग, वो आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं और हील करके आगे बढ़िए, ठीक है। लॉर्ड गणेशा, इनफाइनाइट अबंडेंस, आपको लॉर्ड गणेशा का प्रोटेक्शन प्राप्त है, इस पाइल को लॉर्ड गणेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी ना, वो सब दूर होंगी, स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। आपका कनेक्शन आगे बढ़ेगा, अब तक वो स्टेगनेंट हो गया था तो वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एल मोरे क्या कह रहे हैं कि अवेकनिंग प्रेजेंस, पूरा यूनिवर्स आपके साथ में है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जा रही है, ठीक है। यहाँ पर आपकी थर्ड आई जो है वो एक्टिवेट होगी, और आपको उनकी तरफ से कुछ मैसेज मिलेंगे, यूनिवर्स की तरफ से और आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। यहाँ पर एंसेस्टर स्पिरिट्स, देखिए यहाँ पर जो फैमिली वुंड है ना, और जो पैटर्न है उसको हील करने की जरूरत है, वरना ये फिर आगे चलता रहेगा, ऐसे ही कैरी करते रहेंगे। अभी आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, फिर वो आगे भी चलती रहेगी, फिर आगे चलती रहेगी, इसलिए आपको अपने एंसेस्टर हीलिंग करनी चाहिए, ठीक है। डिवाइन हीलिंग, आप काफ़ी सेंसिटिव पर्सन हैं, आपको थोड़ी सी भी नेगेटिव एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, यहाँ पर आपको हील करने की ज़रूरत है, और फिर से अपने आप को चार्ज करके आगे बढ़िए। आपके अंदर इतनी पावर है कि आप दूसरों को भी हील कर सकती हैं। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपने हर्ट चक्रा को एक्टिवेट रखिए, ठीक है। शरद कुमारा यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आप अपनी लाइट में आइए, ठीक है। आपके अंदर इतनी लाइट है कि आप दूसरों को दिशा दिखा सकती हैं, आप दूसरों को मार्गदर्शन दे सकती हैं, आप इतने ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हैं, ठीक। आपको कोई विजन दिख रहा है गाइस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कोई विजन दिख रहा है, आपको कोई ड्रीम आ रहा है, आप उसको देख नहीं रहे हैं, आपको उस पर काम करना है। आप अपने माइंड से सोच करके जो चल रहे हैं ना उनको, इनकी बजाय जो आपको विजन दिख रहे हैं उसके ऊपर काम करिए, ठीक है। यहाँ पर आर्किंजल माइकल का भी प्रोटेक्शन आपको प्राप्त है, ठीक है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी स्वर्ग से आपके लिए मैसेज आ रहे हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करना सीखिए, ठीक है। आप सेफ हैं, एंजल्स आपके आसपास हैं, और उनको पता है कि आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे, उनको अलाउ करिए, ठीक है, तभी आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके गॉड लॉर्ड गणेशा यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, देखिए एंसेस्टर हीलिंग आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो गाइस लॉर्ड गणेश आपको जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और बहुत सारी खुशी आपकी लाइफ में आ रही है, बहुत ही पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। तो आगे के लिए आप रेडी हो जाइए, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, और ये रीडिंग कभी भी आपको मिले तभी आपसे रेजोनेट हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।